65 रॉकेट से दहल गया इसराइल। किरियात में IDF हेडक्वार्टर पर हमला। नसरल्ला के कत्यूशा ने मचाया कोहराम। सिनवार के टनल वॉरियर एक्टिव। सिनवार ने दिखाया नरक शाप। एक घंटे के भीतर 65 रॉकेट धमाके। इसराइल का किरियात शमोना धुआं धुआं हो गया। धमाके हिजबुल्ला फाइटर्स ने किए। निशाने पर इसराइल का बेस था। कत्यूशा रॉकेट की प्रहार से हिजबुल्ला ने IDF के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का ऐलान किया है। वहीं इसराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक को मजबूती से जवाब दिया गया है। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर इसराइल ने आग बुझाने का मिशन भी शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला लड़ाकों के दागे गए रॉकेट रिहायशी बस्तियों में भी फटे हैं। हालांकि किसी भी तरह के जानी या माली नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, मगर इसराइल का क्रोध लेबनान फ्रंट की जगह गाजा में दिखने लगा है। गाजा में जलते रॉकेट की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही। बारूदी गुबार से ढकी गाजा सिटी रह कर आग की लपटों में घिरती है। चीख पुकार मचती है और फिर इमारत काला खंडर बनती है। जमीन पर टैंक के गोले जलजला ला रहे हैं। आसमान से बरस रही मिसाइलें मौत बांट रही हैं। हमास लड़ाके आमने सामने के युद्ध में कहीं टिक नहीं पा रहे, मगर जो युद्ध हो रहा है दिखाई दे रहा है, ये जंग उतनी भर नहीं। असल लड़ाई जमीन के नीचे शुरू हो चुकी है। सुरंग में बैठे हमास की खूंखार पलटन भीषण पलटवार कर रही है। अपने बिलों से निकलकर हमास के स्लीपर सोल्जर कैसे कोहराम मचा रहे हैं, उसकी बस एक झलक देखिए। सुरंग से दबे पांव निकलते हैं हमास के बम स्क्वाड। इसराइल की फोर्स को करीब जाकर दहलाते हैं सिनवार के आत्मघाती हमलावर। इस घातक और विध्वंसक हमले का तोड़ अब तक नेतन्याहू की सेना तलाश नहीं पाई है। हमास के अकेले सुरंग वॉरियर्स के मुकाबला करने के लिए इसराइल को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। इसराइल फोर्स से घिरा हमास का लड़ाका पत्थरों से बनी इमारत में शरण लेकर बैठा था। उसे घेरने के लिए एक दर्जन से ज्यादा IDF सोल्जर्स ने फायरिंग की। वेस्ट बैंक के हेब्रॉन में ये भिड़ंत कैमरे में कैप्चर हो रही थी। कई घंटों तक चले शूटआउट में आखिरकार IDF कामयाब रही, लेकिन एक अकेले हमास के लड़ाके ने दर्जनों जवानों को जोरदार टक्कर दी। इसी तरह उत्तरी गाजा में इसराइल के हमले में 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जबकि हमास को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। शेख जायद टावर्स इलाके में हुई भीषण लड़ाई में IDF के कई जवानों को जख्मी कर हमास फाइटर्स सुरंग में जाकर आराम से छिप गए। टनल बैटल में हमास इसराइल फोर्स पर भारी पड़ रहा है। इसकी वजह सुरंग में मिल रही ईरान और हिजबुल्ला का फुल बैकअप है। इसराइल के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सैन्य प्रमुख बेनी गेंट्स ने तो नेतन्याहू को ये वार्निंग भी दी है कि सुरंग में बैठे सिनवार का सफाया लगभग नामुमकिन है। अगर नेतन्याहू सही युद्ध रणनीति नहीं बना पा रहे हैं तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। אם הוא לא מספיק חזק לעמוד בלחץ הבינלאומי, שיניח את המפתחות וילך הביתה. हमास चीफ सिनवार बीते 10 माह से सुरंग में छिपा बैठा है। सिनवार अमेरिका और इसराइल दोनों को चकमा दे रहा है। आखिर सिनवार का सर्च ऑपरेशन इतना लंबा क्यों खिंचता जा रहा है? क्या है अंडरग्राउंड गाजा की हकीकत? इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास ने पूरे गाजा शहर में सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया है कि दुश्मन
उनका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। हमास के इस नेटवर्क को गाजा मेट्रो या अंडरग्राउंड गाजा भी कहा जाता है। एक वक्त इजरायली एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया था कि पूरे गाजा में सतह से 15 फीट से लेकर 200 फीट नीचे तक करीब 300 मील लंबी सुरंगें हैं। हालांकि आंकलन उस वक्त गलत निकला जब आईडीएफ ने 1500 से ज्यादा टनल शाफ्ट्स को खोज निकाला। हमास के इसी अंधेरी दुनिया में इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया है। एक एक कर हमास लड़ाके बंधकों को मारते जा रहे हैं, जिससे इजरायल में भारी बखेड़ा मचा हुआ है। हाल ही में 6 बंधकों की मौत के बाद से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन से नेतन्याहू जहां बैकफुट पर है, वहीं सिनवार अपनी सुरंग से निकलकर नए हमले की प्लानिंग कर रहा है। सिनवार ने सभी सुरंगों के दरवाजों को धमाके का ट्रिगर बना दिया है। हमास का अंडरग्राउंड नेटवर्क $1 अरब से ज्यादा खर्च करके अपग्रेड किया गया है। सुरंग के एंट्री पॉइंट को ऐसे बनाया गया है कि बाहर से छूते ही जोरदार धमाके होने लगते हैं। जीपीएस सिस्टम और रोबोट से ऑपरेट होने वाला ये सिस्टम मिसाइल हमले को भी नाकाम कर देता है। हमास की सभी सुरंगें गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में बनाई गई हैं। यहाँ आम नागरिक और ऐतिहासिक स्थल है। हमास की रणनीति भी इलाके पर कब्जा करने या हमलावर को हराने की नहीं है। सिनवार की स्ट्रैटेजी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है, जिसके लिए वो इजरायली सेनाओं की पकड़ से खुद को दूर रखने के लिए अपना भेष बदल कर खुलेआम घूमता भी देखा गया है। महिलाओं के कपड़े में गजा की गलियों में घूम चुके सिनवार को IDF सोल्जर्स पहचान भी नहीं पाए थे। इसराइल के लिए हमास की सुरंग जाल को भेद पाना भी आसान नहीं है। IDF की गहरी सुरंगों और बंकरों को बर्बाद करने के लिए खास तरह से विस्फोट करने की जरूरत पड़ती है। इस तरह की लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती सुरंगों को खोजने में लगती है और फिर उसे तबाह करने में लगती है, जिसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। इसी फासले को हमास लड़ाके अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। वॉर जोन में हमास चीफ सिनवार भले ही रॉब जमा रहा है, लेकिन अमेरिका ने सिनवार को उल्टा टांगने का एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए नरसंहार के आरोपों की घोषणा की है। इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए नरसंहार के केस में हमास चीफ यहिया सिनवार, पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया, मारवा ईसा, खालिद मशाल, मोहम्मद अल मसरी और अली बराका के खिलाफ आपराधिक आरोप तय कर दिए गए हैं। सिनवार के खिलाफ न्यूयॉर्क की अदालत में सख्त फैसला सुनाया गया है। Today, the Justice Department unsealed charges against Yahya Sinwar and other senior leaders of Hamas for financing and directing a decades-long campaign to murder American citizens and endanger the security of the United States. As outlined in our complaint, those defendants, armed with weapons, political support, and funding from the government of Iran and support from Hezbollah, have led Hamas's efforts to destroy the state of Israel and murder civilians in support of that aim. अमेरिका में हमास की टॉप लीडरशिप पर कानूनी हंटर चलाने की तैयारी है, लेकिन सुपर पावर हमास कमांडरों तक कभी पहुंच पाएगा भी फिलहाल इसके कोई आसार नहीं दिख रहे। ईरान के समर्थन से हमास फिर से ताकतवर बन चुका है। ईरानी हथियारों से हमास के लड़ाके तुलक्रम और वेस्ट बैंक में IDF को छका रहे हैं। रफा फ्रंट पर हिजबुल्ला के फुल सपोर्ट ने भी हमास लड़ाकों में नई जान फूंक दी है। شيئا جديدا وان كان هناك يعني يعني مقترح يستجيب لمطالب المقاومه ومطالب شعبنا فسنتعامل معه بايجابيه IDF کو سب سے بڑا خطرہ فی الحال لبنان فرنٹ پر ہے جہاں نصر اللہ بریگیڈ بھینکر پلٹوار شروع کر چکی ہے اپنے ٹاپ کمانڈروں کے خاتمے سے بوکھلائے حزب اللہ فائٹر اسرائیل میں گھس کر بڑے حملے کی پلاننگ میں ہیں خفیہ رپورٹس میں دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ حزب اللہ فائٹر غزہ کی سرنگ میں بیس بنا کر حماس کے ساتھ جوائنٹ اٹیک کو انجام دے سکتے ہیں اس کا پتہ سیریا بارڈر پر گولان ہائٹس بیس پر ہوئی ایک گھسپیٹھ سے چلا ہے یہاں IDF نے بارڈر پر گھسپیٹھ کر رہے ایک سندگدھ کا خاتمہ کیا ہے اسرائیل کی باڑھ کے قریب کئی دنوں سے کافی ہلچل دیکھی جا رہی ہے IDF की वार्निंग के बाद भी जब एक संदिग्ध ने बाढ़ पार करने की कोशिश की तो उसे ढेर कर दिया गया। इससे साफ हो गया है कि इसराइल को अब सीरिया फ्रंट पर भी अलर्ट मोड में रहना होगा। सीरिया रूट का इस्तेमाल हिजबुल्ला या फिर कोई भी मिलिशिया गुट आसानी से करके इसराइल को दहला सकता है।